आज मैं कमिश्या स्थित जो है कि पटेल अजीज बनारसी व्यंजन को सीखने की चिट्ठी के लिए मैं आया हूँ। खासतौर से ये भेलूपुर में पड़ता है और कमिश्या के पास ही है, खासतौर से ठेठ बनारसी की दुकान, और जो है कि इसकी दुकान बहुत ही प्रसिद्ध है। तो आज मैं जो है कि देसी घी में ही सब बनता है, तो आज मैं जो है ठेठ बनारसी की दुकान पर मैं आकर इनका व्यंजन चखूँगा और जो है कि व्यंजन चखूँगा और उसके बाद जो है कि पता लगाऊंगा कि मतलब कैसा इनका मतलब कि मिष्ठान है या कैसा चटका स्वाद है, समोसे का स्वाद है, आलू चाप का स्वाद है, रोपा भी बिकता है खासतौर से। तो आज मैं ठेठ बनारसी की दुकान पर आया हूँ, खासतौर से जो है मैं देखूंगा कि इनका मतलब स्वाद कैसा है। तो धर्म फूड की तरफ से आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं कमिश्या के पास भेलूपुर के पास ही जो है ठेठ बनारसी दुकान पर चलते हैं हम लोग और नए व्यंजनों का स्वाद लेते हैं, रोपा भी खाते हैं और उसका स्वाद लेकर देखते हैं कि किस प्रकार का मतलब कि यहाँ का स्वाद है और कितने नंबर मिलते हैं धर्म फूड की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मतलब कि समोसे भी आलू चाप भी है। इसमें तंदूरी बनता है क्या? छोला कुलचा है, छोला कुलचा, छोला आलू चाप। कौन सा स्थान है भैया? कौन सा स्थान है ये? ये जगह ये भेलूपुर है, भेलूपुर कमिश्या के पास ही। जो जो व्यंजन बनता है आपके यहाँ देसी घी में बनता है जी? तो समोसा कैसे प्रसिद्ध पीस है आपका? 15 जी, 15 रुपये। और जो है गुलप्पा एक प्लेट, हाँ पानी वाला है अपना 25 रुपये का और दही वाला 30 रुपये। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है और सफाई से ही सब कुछ किया जाता है और ख़ासतौर से देसी घी में ही बनता है इनका व्यंजन। और विशेष यहाँ से जिस पर देख रहे हैं यहाँ पर जो रेस्टोरेंट है सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है यहाँ पर। देख रहे हैं कि आप लोगों के पास रेस्टोरेंट है ये क्या भैया? चूड़ा मटर है? चूड़ा मटर कैसे प्लेट है ये? 40 रुपये प्लेट है। टिकिया 35 रुपये प्लेट है, समोसा 30 रुपये प्लेट है, सवाल 30 रुपये प्लेट है, खास्ता 30 रुपये प्लेट है, टमाटर 30 रुपये प्लेट, टमाटर 35 रुपये प्लेट है, जामुन 20 रुपये एक पीस है, 25 रुपये प्लेट गोलगप्पा है। आकाश आपका नाम भाई साहब? अरविंद यादव भैया जी। आपका क्या नाम है? विजय गुप्ता। तो आप यहाँ का संचालन करते हैं? कैसी है पैसा लेते रहते? तो ये दुकान कब से है? 2 साल हो गए। 2 साल हो गया। आपका क्या नाम भाई सर? राजेश कुमार गुप्ता जी। तो 2 साल हो गया दुकान खोले? हाँ। कैसा रिस्पांस है? रिस्पांस कैसा है? बढ़िया है, बढ़िया। नाम तो बड़ा मतलब कि ठेठ बनारसी अलग किस्म का रखा हुआ है। ये हमारे कुलचा के साथ जी, कुलचा के साथ जी 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 सरी का कुलचा के साथ अमृतसर कुलचा।
कहाँ से आए हैं आप? कहाँ के रहने वाले हैं? नेपाल जी। नेपाल तो पहले तो एक प्लेट में गुलपा खिलाओ अपना। तो कौन सा आप गुलपा बना रहे हैं? आप दही वाला बना रहे हैं? इसके बाद आप कुलचा लीजिएगा, वो और बढ़िया लगता है। हाँ, कुलचा। तो ये जो है कि इसमें ये मसाला डाल रहे हैं जो गुलपाक बना हुआ है। छोले हैं। एक प्लेट में कितने गुलप्पे देते हैं आप लोग? दही वाला गुलप्पा दे रहे हैं आप? वो काला नमक है? मिक्स मसाला है। अच्छा, मिक्स मसाला। उसके बाद क्या दे रहे हैं? नमकीन वाला है। वाह, बहुत बढ़िया लग रहा है, देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है खासतौर से। ठीक है, अब हाँ बिल्कुल। मिर्च है, मिर्च चाहिए, हरी मिर्च, मीठी चटनी, दही, शकरपाला, ग्रीन चटनी, हरी मूली, लच्छा, और ये ग्रुप पे पानी गुलगप्पे, दही भी। थैंक यू। जो है कि दही एक बड़ा रूपा में खाऊंगा यहाँ पर, यह ठेठ बनारसी की दुकान पर। सब आप देख रहे हैं, ये कमच्छा में स्थित है दुकान, और मैं खा के बताऊंगा कि मतलब यहाँ का जो है कि दही वाला रूपा कैसा है। ये जो है रूपा है, ये धनिया है, ये नमकीन है, ये मसाला पड़ा हुआ है, और ये मीठी जो है कि मीठी चटनी भी डाली गई है इसमें, और ऊपर से दही भी डाली गई है। और जो है कि ये प्लेट जो है 25 रुपए का है। पता कर हम टेस्ट देते हैं कि छठ बनारसी का स्वाद कैसा है, और इसे स्वाद देते हैं हम लोग खासतौर से दही वाले गुलगप्पे का। बहुत तीखा, बहुत अच्छा गुला गुप्पा जो है ठेठ बनारसी दुकान का, बहुत ही बढ़िया है। और इनको जो है कि हमारे धर्मपुर की तरफ से इनको जो है कि 9 नंबर मिलता है। कभी भी आइए, अच्छा के पास दुकान है, तो यहाँ पर जो सब जो है कि खा सकते हैं खासतौर से दही वाला गुप्पा। और तरह के मेन्यू सब देसी घी में ही बनता है, एक बार जरूर आइए और जो है यहाँ का स्वाद लीजिए खासतौर से। स्वाद बहुत अच्छा है, चटपटा है, और दही डालने से बहुत बढ़िया लग रहा है। मीठी चटनी भी है, और साथ साथ कड़ा पर इसमें जो है कुरमुरा टाइप का भी है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। कभी आना हो तो अच्छा इससे जो है ठेठ बनारसी दुकान पर आइए, और जो है इस व्यंजन का लुत्फ लीजिए। मैडम जी, स्वाद कैसा है ठेठ बनारसी का व्यंजन का? स्वाद बढ़िया है ना? हेलो सर, बढ़िया है? जैसा कि इनका व्यवस्था देख रहे हैं, यहाँ पर साफ सुथरी व्यवस्था है, यहाँ पर घूमने लगा हुआ है, उपकरण है पानी।
अच्छा बन जाता है। सर कैसा लगा टेस्ट? बहुत बढ़िया लगा, बेस्ट लगा। किधर जैसे काम कर रहे हैं? तो यहाँ दो डेढ़ साल से काम कर रहे हैं। तो यहाँ का रिस्पांस बढ़िया है? जी, मालिक भी सब सही है। मालिक सही है। अच्छा सर, खास तौर से कोई बहुत ज़्यादा आइटम महंगा है नहीं? नहीं, देसी के हिसाब से। देसी भी का है।